आजकल की जनरेशन जो है वो घी को कुछ ज्यादा ही नेग्लेक्ट कर रही है। हमारी जो बहू ही है उसका बस चले तो वो पानी में चीज बना के खा ले। I'm doctor कह रहे हैं घी खाने को। Since last 20 years I'm practicing yoga, meditation and gym, right? अब microwave में खाना गर्म करोगे तो वो कैंसर होने का डर है। This is जो पसीना आएगा तो उसके साथ घी पिघलेगा और पिघल के पूरे शरीर में वो फैलेगा। My daughter is a vegan. Oh, okay. Are you vegan? Well, yes and no. Sometimes yes and sometimes I skip it also. अरे तो रुको, बात तो करो। All right, I'm your just desi Abhimanyu और आज मैं दिल्ली वालों से दो बहुत जरूरी सवाल पूछने के लिए। पहला कि क्या आप वीगन हो? पहली बात तो आपको पता भी है क्या कि वीगन होता क्या है? दूसरी चीज कि क्या घी जो है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लैरिफाइड बटर, इज इट बेस्ट और बेस्ट फॉर योर हेल्थ? तो जानते हैं कि दिल्ली वालों की ओपिनियन क्या है और फिर आपसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत देर से आपको नोटिस कर रहे हैं, बहुत आप एक्सरसाइज काफी सारी कर। सर पहला सवाल है कि आपको पता है कि वीगन क्या है? एडवांस वर्जन ऑफ वेजिटेरियन फूड। ओके। आपको सब कुछ खाना चाहिए, सब कुछ पीना चाहिए, सब खाओ, सब दबा के पियो और सर की तरह से एक्सरसाइज करो। सर गुड मॉर्निंग, बहुत देर से आप थोड़ा मेडिटेशन कर रहे थे इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं किया। सर पहला तो है कि क्या आपको पता सर वीगन क्या होता है? वीगन परहैप्स वेजिटेबल डाइट ना? नहीं मैं नहीं जानता। I don't know. I know only vegetarian is called vegan. Vegan, I simply know that is a vegetarian who is following vegetarian diet. That is a vegan. नहीं पता। ठीक है। Thank you ma'am. और सर? हाँ या वीगन एक्चुअली दिस टर्म वॉज फर्स्ट केम टू माई माइंड व्हेन आवर ऑनरेबल चीफ जस्टिस आई केम टू नो दैट ही इज ऑन वीगन डाइट्स मीन्स ही इट्स नॉट आइदर वेज और नॉन वेज इट्स समथिंग ऑफ डी वाई चंद्रचूड़ ऑनरेबल सर इज ऑल्सो ऑनरेबल जस्टिस। नहीं वेजिटेरियन। ओके वेजिटेरियन। तो सर आपका वीगन को लेकर क्या ओपिनियन है? हाँ जिसको सूट करता है इट्स वेरी गुड, लेट देम फॉलो वीगन। माय डॉटर इज अ वीगन। ओके सो आई केम टू नो फर्स्ट टाइम दैट ही इज बैंकिंग ऑन वीगन डाइट। गुड मॉर्निंग मैम। And that's very good for health because it adds to your immunity, it adds to your strength, it adds to your overall functioning of the systems. No. Do you know what vegan exactly is? Yes, it's more on vegetarianism. Vegan जिसमें कि animal products नहीं use करते हैं, it's all vegetables, fruits. There is no animal product, neither meat nor dairy, nothing. भैया सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे दो हमारा। एक एक बस सच्ची एक। नहीं नहीं कुछ, अरे हम किसे गुलाम है क्या? हाँ नहीं गुलाम, हमें नहीं देना है भी। ये आजकल जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन आ गई ना, ये घी को लेके बहुत सोचती है। तो एक लाइन में आपको बताता हूँ, आप बताना आपका क्या उस पर ओपिनियन है कि घी हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट है या बेस्ट? हमने तो खा लिया घी जब भी हमारी आप लग रहे हो फिट लग रहे हो। हमने तो 30 साल घी खाया पर अब घी नहीं है ना, अब तो क्या है, मोमोस है, ये है, ये बच्चे ये खाते हैं। जो गाय भैंस का घी उसके लिए पचाने के लिए मेहनत चाहिए जी, बिना मेहनत करे वो काम नहीं करेगा जी, उल्टा नुकसान कर देगा जी जी जी। हमारी जो बहू ही है उसका बस चले तो वो पानी में चीज बना के खा ले। अच्छा। लेकिन ये है कि आजकल की जनरेशन जो है वो घी को कुछ ज्यादा ही नेग्लेक्ट कर रही है। एंड आई एम ऑफ द फॉर्म ओपिनियन दैट घी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड दिस। अच्छा ग्लो सर, आपके फेस पे जो ग्लो है। या थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस कॉम्प्लीमेंट्स। लेकिन हम मैं तो खाती हूँ। अगर उसे पता चल जाए ना घी है किसी चीज में, छुप के स्मेल करेगी और फिर छोड़ देगी। ये तो मैं कर रहे हैं हम लोग यहाँ। और वो जैसे अगर किसी में सब्जी में तेल पड़ा है तो वो उससे करके टिश्यू पेपर से ऐसे ही करते हैं। नई जनरेशन को तो लगता है फैट बढ़ जाएगा इससे। आई डोंट टेक रोटीज एंड चपातीज एंड राइस, आई एम टोटली अपॉन अ स्पेशलाइज्ड डाइट दैट इज प्रोटीन डाइट्स। नहीं नहीं बहू ऐसे मेरी बहुत अच्छी है, जरूरत से ज्यादा अच्छी है, मतलब मेरी हेल्थ का बहुत ख्याल रखती है। उनके माइंड में ये है कि भाई घी नहीं खाना चाहिए, उनको अपने खाने के लिए नहीं रोकती। मुझे खाने के लिए नहीं रोकती है, खुद नहीं खा रहे और इनकी भी अच्छी है। घी
ताकतवर चीज है और ताकत को पचाने के लिए ताकत बढ़ानी पड़ती है, बढ़ानी पड़ती है। घी है ही नहीं बनाता ही नहीं, कोई भैंस वाले से लेकर जाओ वही मिला के देगा, मिला के देता। डोंट वांट टू कॉल समथिंग व्हिच कम्स राइट फ्रॉम द हेरिटेज ऑफ इंडिया। घी इज बीन नोन इन आवर हिस्ट्री फॉर जनरेशंस, फॉर डेकेड्स एंड फॉर यू नो सो मेनी इयर्स, यू कांट गो, यू कांट काउंट हाउ मेनी इयर्स। सो आई एम श्योर इट्स डेफिनेटली नॉट पार्ट ऑफ बीइंग द बेस्ट। घी बेस्ट होता है, 1 स्पून लेना डाइट में ना, 1 स्पून एवरी डे। हां वो भी अच्छा घी हो ना, ऐसे नहीं जो मार्केट में मिलता है ना। If you're having it in moderation, it is impacting and giving a positive impact. Anything beyond moderation is impacting in a different way. पहले के जो लोग थे, पूर्वज थे, वो लोग भी तो घी खाते थे ना। सही। वो तो लोग खाते थे तो अच्छे हेल्दी भी थे। लोग बेस्ट है। बेस्ट है। Yes. ना बेस्ट है ना बेस्ट है, मॉडरेशन में खाओ सब ठीक है। तो हर चीज लिमिट में खाई जाए तो ठीक है। Slowly it's coming back. It's coming all over the world. Best. Best. Yes, the whole this thing in certain degrees, not overdoing it. The definition of best, you know, applies differently for everybody. Tall is very important for your health. Okay. A certain proportion of fat, and this is real, genuine, good fat. बीच में तो सबने डॉक्टर ने कहा था कि जो घी है वो नहीं लेना चाहिए, इससे बीपी भी बढ़ जाता है। हाँ, जो भी आता है मेरा तो गांव से आता है भाई। पर अब फिर दोबारा उसको घी को खाने के लिए कह रहे हैं, तो ये तुम्हारे हिसाब से क्या है, बेस्ट है कि नहीं? आई एम डॉक्टर कह रहे हैं घी खाने को। एंड आई यूज घी डेली बेसिस, ऑन डेली बेसिस। सर वो ठंड में बनते हैं वो गूंद के लड्डू, उसमें बहुत घी डालते हैं। मतलब उसमें आता है ना यूट्यूब पे, गूगल के ऊपर घी खाओ, वो जो वो फैमिली ग्रुप पे भेज देते हैं वीडियो। मैं कोई इस पर एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन आई रेगुलरली यूज घी। तो जितना हम ज़्यादा वर्कअप करेंगे, वर्कआउट करेंगे सही है ना, तो उतना ज़्यादा पसीना आएगा। जब पसीना आएगा तो उसके साथ घी पिघलेगा और पिघल के पूरे शरीर में वो फैलेगा। देखिए मेरा जो कॉन्सेप्ट है, देयर हैज़ टू बी बैलेंस बिटवीन कार्ब, प्रोटीन एंड फैट। ओके। एंड 30% रिक्वायरमेंट शुड कम फ्रॉम द फैट इन फैट। The fat should be good fat. सर आप डॉक्टर हैं क्या? बात तो करो। अरे बात तो करो। अरे तो इंसान हूँ यार, ऐसा थोड़ी होता है। अरे बुरा मान गए क्या आप? तो ये थी दिल्ली वालों की ओपिनियन कि वीगन आपको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और वीगन क्या होता है, और दूसरी चीज कि घी हमारे लिए बेस्ट है या पेस्ट। ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए कॉमेंट करो, और हमें पहले आप बताओ कि वीगन क्या होता है और आप वीगन हो कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।